नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। नगर में डाले गए घटिया क्वालिटी के बंच केबल, चेयरमैन रघुराज सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से शिकायत, 4 विद्युत विभाग के कर्मचारी सस्पेंड। बिलारी नगर की जर्जर पड़ी विद्युत तारों को बदलवाने के लिए लगभग 19 करोड़ रुपया पास कराया गया था। इसके बाद नगर में नए विद्युत पोल बंच केबल बदलने का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन करोड़ों रुपए का घोटाला कर नगर में घटिया क्वालिटी के बंच केबल डाले जाने लगे, जिसके बाद बीते दिनों नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने वार्ड सभासदों के साथ मिलकर विद्युत उपखंड अधिकारी के साथ बैठक की और घटिया क्वालिटी के बंच केबल की लिखित शिकायत देकर अच्छी क्वालिटी के बंच केबल डलवाने की मांग की। पालिका अध्यक्ष द्वारा दी गई शिकायत को विद्युत अधिकारियों ने अनदेखा कर दिया। इसके बाद एक्शन में आए नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपने के बाद निष्पक्ष जांच व कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का उचित निर्वहन न करने, लापरवाही बरतने पर 2 अधिशासी अभियंता, 1 सहायक अभियंता एवं 1 भंडार अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जनपद मुरादाबाद के विद्युत वितरण उपखंड 3 बिलारी में LTAB केबल क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत आपूर्ति लंबी अवधि के लिए बाधित हुई और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। LT केबल की जाँच कराए जाने पर LT केबल मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। यह LT केबल मैसर्स वी मार्क इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्तित किया गया था। इसकी गुणवत्ता के संबंध में निरीक्षण व परीक्षण शेर सिंह अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय परीक्षण खंड 3 गाजियाबाद द्वारा किया गया था। इस LT केबल को विद्युत भंडार खंड मुरादाबाद पर श्री मनोज कुमार सहायक अभियंता विद्युत भंडार खंड मुरादाबाद एवं अमित कुमार भंडार अधीक्षक विद्युत भंडार खंड मुरादाबाद द्वारा मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच कर प्राप्त किया गया था। अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का उचित निर्वहन न करने, निगम की छवि धूमिल करने, विभाग को वित्तीय हानि पहुँचाने, घोर लापरवाही बरतने पर शेर सिंह अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय परीक्षण खंड 3 गाजियाबाद तथा रोहताश सिंह जंगपंगी अधिशासी अभियंता विद्युत भंडार खंड मुरादाबाद तथा मनोज कुमार सहायक अभियंता विद्युत भंडार खंड मुरादाबाद तथा अमित कुमार भंडार अधीक्षक विद्युत भंडार खंड मुरादाबाद को निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश यशस्वी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के ऐसे ईमानदार और काम के प्रति निष्ठावान ऐसे अधिकारियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। UPPCL चेयरमैन आशीष गोयल जी, UPPCL मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तर प्रदेश पंकज कुमार जी का कि जो कि मैंने सोमवार को अपने नगर के बंच केबिन की कंप्लेंट की थी और बुधवार शाम तक उस कंप्लेंट का उन्होंने निस्तारण कर दिया। मैं पुनः अपने यशस्वी योगी जी का और ऐसे अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं अपने नगर के सभी पत्रकार बंधुओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, व्यापार मंडल को और अपने नगर परिवार को जो कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, मुझे मजबूती दी, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने नगर पालिका बोर्ड का भी, जो सम्मानित मेरे सभासदगण मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस कंप्लेंट में साथ रहे, उन सभी साथियों को मैं सभी से दिल की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसमें हम सब लोगों को कामयाबी मिली, 4 व्यक्तियों को निलंबित भी कर दिया गया है।